हेलो गाइज, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल साई फ्यूजन डिश में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया लेटेस्ट वीडियो, अरबिक कप्सा। सऊदी लोग मजरे में कैसे कप्सा बनाते हैं, यानी कप्सा यानी पुलाव, वो कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो सब मैं आपको डिटेल पूरा बताता हूँ। अरबिक कप्सा में जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स है, टमाटर 2-3 पीस छोटा कटा हुआ, 2 छोटा कटा हुआ अदरक, 10 पीस हरी मिर्च, कांदा 5 पीस कटा हुआ, लेमन यानी नींबू 1 पीस कटा हुआ। चलते हैं किचन की तरफ और शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है, ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। 1 जग पानी का तड़का मारना आपको, मैंने तड़का मार दिया 1 जग, पानी मेरा उबाल कर गया है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड होने के बाद इसके अंदर जो मसाला है वो मैं अभी ऐड करूँगा। कांदा कटा हुआ, 1 कटा हुआ नींबू, लहसुन है, अरे छोटी इलायची है, जीरा, तेजपत्ता सब इसके अंदर ऐड कर देना आपको, टमाटर, हरा मिर्च, अदरक। उबल करने में ये उबल जाएगा पूरा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालना। ये 20 मिनट पहले मैं जो बासमती राइस है उसको हमने भिगो के रखा था, 20 मिनट पहले आपको भिगो के इसको रखना है, और मैं भिगो के रख लिया था पहले से। ये जो चिकन है ये मेरा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमें ये जो राइस है इसके अंदर ऐड कर देना है। ये राइस इसके अंदर ऐड कर देना आपको, मैंने ऐड कर दिया है, ये देखो मैंने ऐड कर दिया पूरा राइस इसके अंदर। उसके बाद इसको ढक के आपको पकाना है जब तक ये राइस ना पक जाए। ये उबाल करने तक का इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। ये जैसे ही उबाल करता है फ्लेम को लो कर देना आपको, ठीक है, लो कर देना है, और आपको 10 से 15 मिनट आपको इसको पकाना है। उसके बाद ये चावल रेडी हो जाएगा। अभी के अंदर मैं अभी चटनी बनाने जा रहा हूँ, टमाटर, लहसुन और मिर्ची, हरा मिर्ची का। टमाटर को ऐसा भून लेना आपको, ये नया स्टाइल है भुनने का चाकू में। अगर आपके पास ठीक नहीं है तो चाकू में ऐसा लगा के आप इसको भून सकते हो। ये देखो भून के मेरा रेडी हो गया टमाटर। अभी इसको मैं चटनी बनाता हूँ। मेरा चावल थोड़ा बाकी है, अभी इसके ऊपर मैं पेपर रखूँगा और इसको लो फ्लेम पे पकाऊँगा ढक के इसको अच्छे से, ताकि इसका भाप बाहर ना निकले और ये पक जाएगा। इसके अंदर पानी आपको ऐड नहीं करना है। अभी जो मैं ये बनाया हूँ मजरा, अरबिक मजरा कप्सा, उसके लिए मैं ये चटनी भी बनाया हूँ टमाटर का। अभी देखो 3 टमाटर मैंने भून लिया था, इसके अंदर ऐड कर दे रहा हूँ। ये लहसुन है, 1 नग पूरा लहसुन रहेगा, और ये मिर्ची है 8 से 10 पीस। अब इसको हमें पीसना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और इसको मीडियम आपको पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बन के रेडी हो गया है। और 2 पुदीना इस पर डाल देने का, 2 टुकड़ा बस। कप्से के ऊपर ये सालन बनाएंगे खाने के लिए। सालन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं बता रहा हूँ। हरा मिर्च है, ये जो चिकन है ना इसके अंदर हड्डी नहीं रहेगा, बगैर हड्डी का रहेगा ये। तो देखते हैं मेरा ये जो राइस चावल है ये हो गया कि नहीं, पूरा तैयार हुआ है। ये
हाँ ये देखो, ये जो चावल है तैयार हो गया मेरा, ये कबसा पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब मैं सालन बनाने जा रहा हूँ। गैस को मैंने चालू कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ये पतीली रखूँगा। अब ये पतीली गर्म होने के बाद मैं 3 टीस्पून इसमें ऑयल है, थोड़ा ऑयल डालना आपको, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना इसके अंदर। अभी एक पहले कांदा, फिर उसके बाद ये जो मसाला मैंने बताया था तब इसके अंदर ऐड कर देना आपको। ये फ्लावर है, ये लहसुन अदरक है, ये बटाटा है, और ये चिकन है। मैंने कोतमीर लिया था बारीक, इस बारीक बारीक इसको काट लिया था, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये पुदीना जो लिया था मैं, ये पुदीना को आपको तोड़ के इसके अंदर डालना है। ज़्यादा पुदीना नहीं डालना आपको, थोड़ा ही पुदीना डालना है, बस ये हो गया है। अब इसको हम चला लेंगे, चलाने के बाद इसको ढक देंगे। थोड़ा इसको 1 गिलास आपको पानी ऐड करना है। उसके बाद ये जो नींबू मैं लिया था 2 कटा हुआ, इसके अंदर ये डाल देता हूँ। थोड़ा हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने। अंदर मैं एक टमाटर को भी ऐड कर दिया, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड किया हूँ, क्योंकि जो मैं कबसा बना उसमें भी नमक है, इसमें जो चटनी बनाता है उसमें भी नमक है। इसके अंदर आपको थोड़ा ही नमक डालना है, नहीं तो फिर अगर इसमें ज़्यादा डालोगे तो फिर खा नहीं पाओगे आप, नमक ज़्यादा हो जाएगा। मुझे पानी कम लग रहा था इसके लिए मैं थोड़ा पानी और इसके अंदर ऐड करूँगा। अब इसको ढक देता हूँ। चलो देखते हैं, मेरा सालन तो तैयार हो गया है, ये मेरा अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गया।